बीजेपी परेशान, हर कोई हैरान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया को छोड़ना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि वो सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को छोड़ना चाहते हैं। तो आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों की क्या राय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया छोड़ना चाहिए। अगर वो छोड़ते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो उसका देश की राजनीति पर क्या असर डालेगा? हर आदमी प्रधानमंत्री से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को ये नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, बड़ा कुछ समझने को मिलता है। तो उनके छोड़ने से तो बहुत वो चीज़ नहीं बनती जो आनी चाहिए। देखिए, उनके छोड़ने का सबसे बड़ा विचार ये है कि आजकल फेक न्यूज़ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आ रही है, और ये जो फेक न्यूज़ है उसी के प्रेशर में उन्होंने ये कदम उठाया है। जहाँ तक मेरा विचार है, वो शायद छोड़ेंगे नहीं, और इसी उनके बोलने के हिसाब से ही जो फेक न्यूज़ है वो कम से कम 50% हो जाएगी। आई थिंक कि मोदी जी को मेरे हिसाब से ऑनलाइन सोशल मीडिया नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है कि जितनी भी यंग जनरेशन है आजकल सब सोशल मीडिया पे है, और उनको देख के उनको भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा उस चीज़। तो आपने देखा, लोग जो हैं वो ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार की नीतियां जो हैं, सरकार की योजनाएं जो हैं, वो सारी जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा मिल जाती है लोगों को, और कई सारे करोड़ों में उनके फॉलोअर्स हैं जो रिट्वीट करते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, उनके सारे वीडियोस देखते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सोशल मीडिया नहीं छोड़ना चाहिए, फिर चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फिर चाहे वो ट्विटर हो, या फिर यूट्यूब क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि 2014 में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सामने बनकर आया था जब वो प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट करके ये भी जानकारी दी है कि वुमेन्स डे पर, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे जो 8 मार्च को होता है, वो उस दिन वुमेन जो हैं, महिलाएँ जो हैं, जो डेवलप आगे बढ़ रही हैं महिलाएँ, उनको वो सोशल मीडिया अकाउंट अपना दे देंगे। तो रविवार तक का हम इंतज़ार करते हैं, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सारे सवालों का जवाब हमें रविवार को मिलेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हरदेश यादव, न्यूज़ पॉइंट।